बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं मसूर की दाल, पालक और टमाटर मिर्च, आई मीन मसूर पालक और दाल बना रहे हैं। इसमें हम अच्छा सॉफ्ट पानी डालेंगे, एक चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, टेस्ट के मुताबिक हरी मिर्ची, टमाटर डालेंगे टेस्ट मुताबिक, नमक, एक चम्मच अदरक लहसुन, अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ढक्कन लगा लेंगे, गैस ऑन कर लेंगे। इसमें हम तीन सीटियाँ लगा लेंगे, तीन सीटियाँ में इंशाल्लाह हमारी दाल अच्छे से गल जाएगी। जब तक दाल गलती है जब तक हम भाजी काट लेंगे। इसमें हम कोथमीर भी डाल लेंगे, करे पर भी डाल देंगे, बॉल कर लेंगे, पालक की भाजी को इस तरह एकदम पानी में धोना चाहिए ताकि रेती नीचे बढ़ जाती है, इसलिए ज़्यादा पानी में धोना है। छन्नी में डायरेक्टली धोएंगे तो ऐसे पत्तों में रेती अटक जाती है, वो ऐसे ही रह जाती है, इसलिए एकदम पानी में धोना ही बेहतर है। ओके, अब इसमें निकाल देंगे, जो भी कचरा रहता नीचे आ रह जाता, कचरा तो कुछ नहीं रहता लेकिन रेती जो रहती ना नीचे बैठ जाती। इस तरह से रेती नीचे बैठ जाती। दाल हमारी माशाल्लाह से अच्छे से गल चुकी है, इसमें हम डालेंगे ये भाजी, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको हम एक सीटी लगा लेंगे, भाजी हमारी अच्छे से गल चुकी है, अब हम इसको घेर लेंगे। दाल हमारी अच्छे से पक चुकी है, अब हम बघार की तैयारी करेंगे। इसमें हम थोड़ा सा हिंग डाल लेंगे, लहसुन डाल देंगे, जीरा लाएँ, लाल मिर्च। बघार हमारा अच्छे से हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे दाल। पाँच मिनट हम इस तरह रखेंगे ताकि बघार की जो खुशबू रही थी वो दाल में ही रह जाए। अगर आपको मेरी आज की ये दाल की रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, बेल आइकन ऑन करना। खुदा हाफिज़।